हो जाऊंगी कुछ दिन में। और वो फ्रेश वाला तो लिया जाए। तो पूजा भी हो चुकी है और जो अब बातें शातें करते करते चाय भी बन गई है। अब हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल काजल द चीयरफुल गर्ल। तो ये मेरा सेकंड वाला जो चैनल है वो है। तो इतने दिनों से मैं ना वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और वो एडमिट है। मतलब अभी तो बहुत ठीक है तो अब अच्छा लग रहा है, तो सोचे कि चलो अब मैं बनाती हूँ वीडियो। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और इतना भयानक अंधेरा हो चुका है ना बाहर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले। ये देखो इतना अंधेरा हो गया है और एकदम मतलब हवा तेज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है बहुत जम के बारिश आने वाली है। ऐसे में तो उतना पता नहीं चल रहा बट रियल में तो पूरा अंधेरा हो चुका है। तो इतना भयानक वाले बादल बन चुके हैं बाहर। सोचो मैं ये टाइम पे मैंने लाइट लगाई हूँ क्योंकि मेरे को फिश को देना था खाना और मम्मी तो पापा के पास है। तो बस अभी मैं जाती हूँ नहाने वगैरह, तो उसके पहले मैंने सारे कपड़े वगैरह ऊपर जो सूखने के लिए रखे थे वो निकाल के अभी जस्ट लेके आई हूँ और सोची कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और ऐसा अंधेरा लग रहा है और हवा इतनी मस्त चल रही है, लग रहा है बहुत जम के तेज वाली बारिश आने वाली है। तो चलते हैं, अब मैं नहा वहा लेती हूँ और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो नहाना भी हो चुका है और जब मैं नहाने जा रही थी उसके पहले जो बादल बने थे एकदम काले वाले, जो कि मोबाइल में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, पर पूरा अंधेरा हो चुका था तो ऐसा लगा था बहुत भयानक वाली बारिश आने वाली है। पर ये जो आ रही है ना बारिश, पहले अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी तेज आई लेकिन अभी एकदम बूंद बूंद बूंद, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अभी मैं पूजा वूजा करती हूँ, चाय करके फिर खाने की तैयारी करती हूँ। उस हिसाब से आज जो मेरा ये व्लॉग है ना, ये डे रूटीन पे ही हो जाएगा कि मेरा जो रूटीन क्या है उसी पे, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल भी रहे थे तो तेरा डे रूटीन ये वो ऐसा वाला बनाया कर वीडियोस, तो बस हो ही जाने वाला है। तो सबसे पहले करती हूँ पूजा और फिर काम दूजा। तो पूजा भी हो चुकी है और जो बारिश है वो बड़ी तेज हो चुकी है, एकदम ज्यादा वाली, आपको आवाज भी आ रही होंगी। और अभी बन रही है चाय और साथ ही साथ मैं खाना भी बनाऊंगी। तो अभी कुकर इसमें मैंने ये रख दी हूँ चावल और दाल, तो इसको भी यहाँ पर अब मैं रख दूंगी। तो अभी बन रही है चाय, चाय के बिना कुछ नहीं। तो बाहर में बारिश अभी इतनी तेज हो गई है ना, इतना मतलब ठंडा लग रहा है, बस बाद में भी ठंडा लगे। और आज जो है तो आज मेरी परी जो मेरे भैया की बेटी है उसका बर्थडे, तो देखते देखते ऐसा लग रहा है 3 साल की भी हो गई, बाप रे। मेरे तरफ से उसको हैप्पी बर्थडे परू, मैं तो उसको बाद में कॉल करूंगी, अभी तो शायद सोई होंगी, तो बहुत छोटी है पर उसको अच्छा लगता है वो लोग कॉल करे उसे। और बातें शातें करते करते चाय भी बन गई है, अब चलो चाय पीते हैं। परू हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू, पार्टी दो ना मुझे, पार्टी दो ना। हाँ बोलना जी, देता नमस्ते बुआ, लव यू, आई लव यू शर्मा के। तो मैं बनाऊंगी पालक की जो भाजी होती है वो, पालक दाल तो नहीं बनाऊंगी भाजी, तो इसको अच्छे से एकदम पूरा वॉश कर लेती हूँ और फिर बनाएंगे। और बात करते करते पता है बारिश ही खत्म हो गई। चलिए तो मेरे खाना वगैरह भी बन चुका है, टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है। तो अभी मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। और वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना, लेकिन जब भी अच्छी हवा चल रही थी लेकिन अब हवा भी नहीं आ रही है, तो अब जल्दी जल्दी अपने काम निपटाती हूँ। यही होता है मेरा रूटीन कि जो मेरा खाने वाला होता है बनाने का उसको जल्दी 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 बना ली थी, क्योंकि टिफिन वगैरह होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए ऑफिस के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी अपना बना के। तो जैसे अब खाना बन गया है इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ मैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम में। तो अब काम करती हूँ, यानी कि सब कपड़े वगैरह भिगा के रख देती हूँ और फिर अपना रूम वगैरह सब ये सब कर कुर के ऐसे वाला करूंगी। तो मुझे ना ये डे रूटीन दिन पर ये
इतना एकदम बनाना होता ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या है ना, झटझट झटझट वाले काम करो, फटफट फटफट काम निपटाओ, ऐसा वाला है। और बाकी जो मैं देखती हूँ जो ब्लॉगर्स है वो कैमरा लगाते हैं, फिर एक 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 चीज करते हैं, तो मुझसे नहीं होता। तो चलो अभी मैं करती हूँ काम। तो मेरे सारे काम भी हो चुके हैं और हो गया है सब निपट के, और अभी खाऊंगी खाना। तो ये होता है मेरा खाना खाने वाला टाइम, लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख नहीं है उतनी, थोड़ी तो अभी मुझे भूख नहीं है उतनी, तो फिर मैं थोड़ा देर रुक के खाऊंगी। तब तक लगाती हूँ टीवी बढ़िया से, मैं थोड़ा देर फिर मेरा खाने का टाइम होता है, और खाना खाने के बाद थोड़ा अपना मोबाइल देखती हूँ, या फिर मतलब अपने कुछ एडिटिंग वगैरह रही वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सो के उठूंगी तो वो आपको दिखेगा, पता चलेगा। तो अभी थोड़ा सा टीवी देख लिया जाए, और बारिश जो है, बारिश के हाल ये है कि बारिश झिलमिल 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 चालू ही है, आ रही है जा रही है, ऐसी बंद हो रही है। खाना भी हो चुका है मेरा, और अभी मैं देख रही थी मूवी। मैंने खाना आज इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली ना, मुझे कैसा तो भी हो रहा है, तो एकदम से भूख लग गई थी, तो फिर हो गया। वैसे मैं ओवर ईटिंग कभी नहीं करती हूँ, पर आज हो गई है, बाय चांस हो जाती है कभी कभी। और मैं देख रही थी मूवी, तो ये मराठी मूवी है, ये सस्पेंस मूवी है, इतनी मस्त मूवी है मराठी वाली। हम लोग मतलब छोटे थे ना तब से देख रहे हैं मूवी, बहुत फेवरेट है ये मूवी। पता नहीं अभी किस किस ने देखी है या नहीं। सो के भी उठ चुकी हूँ, और अभी पीऊंगी चाय बढ़िया से, और मुझे लगा शायद आज आंटी आई ही नहीं, फिर मैंने देखी तो आंटी बर्तन वर्तन धो के सब चले गए, तो शायद मैं सोई थी उस टाइम पे, आज आंटी आ गए और जल्दी आ गए थे। तो अभी बढ़िया से पीऊंगी चाय वगैरह, और पानी भी रुक चुका है, अच्छा हो गया रुक गया, नहीं तो अभी चाय वाय सब हो चुका है, और शाम में बनाऊंगी मैं सोजी, तो वो दिखाऊंगी। मतलब जो सोजी मीन्स जो गेहूँ होता है ना उसको दरदरी जो पीसी होती है वो वाली, तो उसके लिए फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता जो है वो तोड़ लेते हैं। ये देखो क्या मस्त वेदर है, इतना सुंदर। मैं बस आई और अब इधर से आ रही है फ्लाइट, इतना प्यारा लग रहा ना। फ्लाइट गई, और यहाँ देखो ये बारिश की वजह से कितना सब ये लग गई है झाड़ी बाड़ी। तो जस्ट टेरिस पे आई थी, उड़ते में दिख गई फ्लाइट, तो देखने के लिए सुबह का तो वेदर इतना अच्छा था, पर ऐसा लग रहा था बस तेज बारिश होने वाली है, और हो भी गई थी। तो अभी चलते हैं, एक इतना अच्छा प्लस पॉइंट है ना रनवे के जस्ट बाजू रहने का, एकदम डायरेक्ट दिखता है यहाँ पर सब प्लेन वगैरह, और बहुत अच्छा व्यू रहता है। कड़ी पत्ते तो लगे हैं पर कुछ कुछ खाए हुए हैं, खाए हुए यानी इसके। ये देखो बैगन का पेड़, इसमें भी अभी लगते आ रही है बैगन, उसका फूल आ गया है। कड़ी पत्ता ये मिल गया मुझे, ये फ्रेश वाला तोड़ लिया जॉय। बस इतना काफ़ी है थोड़ा सा। अभी मैंने हाथ मुंह वगैरह भी धो लियो, जो कैसे एकदम लग नहीं रहा होगा, बट धोलियो, और अब करूँगी दिया बत्ती। और अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं और ऐसा अंधेरा हो गया है एकदम भयानक वाला, क्योंकि अब रात बड़ी होने लगी है, तो अब जल्दी जल्दी दिया बत्ती करती हूँ, तुलसी के पास वगैरह दिया। और आजकल इतना हेयर फॉल हो रहा है ना यहाँ से, एकदम पूरा ऐसा लग रहा टकली हो जाऊंगी कुछ दिन में, और ऐसा लग रहा था सिर्फ मुझे ही ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है शायद, क्योंकि जिसको मैं बताती हूँ ना सारे लोग यही बोलते कि सेम प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रही है। तो पता नहीं क्या है, इतना क्यों हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई टेंशन है कुछ है, या गलत वाला ऑयल लगा रहे हैं या कुछ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं फिर भी शायद हो सकता है वेदर वगैरह कैसे या कुछ
कुछ पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है कुछ दिन में टकली ना हो जाऊं मैं। तो चलो अब चलते हैं और दिया बत्ती करते हैं, फिर उसके बाद खाना। तो अभी बन रही है यहाँ पर सूजी, तो जब ये पूरी बन जाएंगी तब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे लगती है यह। तो ये सूजी जो है वो हो चुकी है रेडी, और ये पता है बहुत टेस्टी लगती है और ना खाने में भी हेल्दी होते हैं, इतना अच्छा पेट वगैरह भी भर जाता है इसमें, क्योंकि ये होती है गेहूं की। तो अभी खाते हैं, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो और मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पर, इसको बढ़िया खाते खाते पिक्चर। आप बोलोगे फिर वही मूवी देख रही है, तो जब ही आधी देखी थी, जब ही आधी मूवी देखी थी अभी फिर मैं आधी, यानी मैंने बहुत बार हजारों बार देख ली होंगी बचपन से, बट वो कितना भी देखो ना मन नहीं भरता, ऐसा टाइप वाला किस्सा है। तो अभी इसको मैं टेस्ट करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। मस्त लगती है यार, एकदम बढ़िया। सो अपना खाना मैं इंजॉय कर लेती हूँ, मोबाइल थोड़ा देर चार्जिंग पे लगा के, फिर मिलती हूँ बाहर। बाहर बारिक बारिक बारिश भी शुरू हो चुकी है। अभी मेरा जो फेवरेट चीज रही ना, जब खाना रहा ना तो बोल नहीं सकती, बाय बाय। हेलो, तो खाना वाना बढ़िया से सब हो चुका था, टीवी वगैरह देख रही थी मैं, और अब आ रही है नींद। तो सोची कि चलो अब जो मेरा ब्लॉग है उसको एंड करते हैं। पता है मुझे तो अच्छा कुछ कंटेंट वगैरह नहीं है, बट जब मैं कहीं जाऊंगी या कुछ होगा तब मैं बहुत बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगी, कुछ चैलेंज वाले जो वीडियो होते हैं वो वगैरह सब लेके आऊंगी और ट्राई करूंगी कि और बेस्ट करते जाऊँ। कभी कभी कंटेंट नहीं होता है ना पास में, तो बोरिंग हो जाते हैं वीडियोज यानी ब्लॉग वगैरह तो देखते हैं, और अकेले से कोई चैलेंज होता नहीं है। तो आप लोग आइडिया भी देना कोई चैलेंज हो जो फिलहाल अकेले कर सको, क्योंकि बाद में तो फिर मैं जब घर जाऊंगी या फिर तब बहुत जन मिल जाते हैं वहां साथ में चैलेंज वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताई थी आज हमारे परी का बर्थडे है, तो जब भी वीडियो कॉल भी आया था तो हम लोग देख रहे थे, तो मस्त सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरीके का मेरा जो रूटीन होता है, डे रूटीन वगैरह ये सब, तो मेन चीज क्या होती है ना एक्चुअली उसमें बताऊं आपको, जैसे अभी क्या है, अभी पापा एडमिट है तो कल छुट्टी हो जाएंगी पापा को, जैसे कि तो सुबह से मेरा बस वही हो जाता है, सुबह 7 बजे उठ के फ्रेश होकर अपना होके और फिर नहा वहा के पूजा करके फिर चाय बना के फिर जो खाने वगैरह का होता है बस वही करती हूँ। आज बस 2 जन का था और मम्मी पापा तो मतलब उधर थे, तो मैंने टिफिन भी भिजवाई लेकिन ज्यादा घाई वाला काम नहीं था, तो फिर खाना बनाना होता है तो फिर मैं टिफिन वगैरह पहुंचा देती। और फिर क्या करती हूँ मैं कि उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना कभी 10:30 बजे वगैरह करती हूँ ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद अपने बाकी कामों में लग जाती हूँ, जैसे कि कपड़े, रूम की सफाई, ये वो जो भी छोटे मोटे अपने होते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह के लिए तो आंटी आते हैं, फिर उसका तो टेंशन नहीं है। इतने टेक हो जाते हैं ना मेरे वीडियोज बनाते बनाते, क्योंकि है ना कभी कभी जिप फिसल जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ दूसरा वर्ड बोल देती हूँ कभी कभी, नहीं क्या ऐसा हो जाता है, तो इतने टेक लेना पड़ता है ना, इस चक्कर में मेरा ब्लॉग बहुत ज्यादा मतलब स्टोरेज फुल होने पे ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं मजाक कर रही हूँ। तो बस वही सब काम होता है, फिर दिन में मैं थोड़ा आराम भी करती हूँ, फिर उठने के बाद चाय करना और फिर अपना हाथ मुंह धो के और फिर अपने कोई शाम के खाने वाने की इसमें सब लग जाना। कभी कभी रूटीन अलग भी हो जाता है, कभी जैसे ऋषभ आते हैं फिर हम थोड़ा ऐसे घूमने मीन्स ऐसे कुछ काम से सब्जी लेनी, जो भी अपना काम छोटा मोटा होता है वैसे करने चले जाते हैं, या कुछ होता है फिर खाना वाना खा के थोड़ा देर टीवी देख के फिर मैं अपना एडिटिंग वगैरह सब करती हूँ, या फिर दोपहर में करती हूँ या रात में टाइम मिला तो जब भी फिर सो जाते हैं। ऐसा कुछ मेरा बहुत अच्छा वाला वैसा कुछ रूटीन है नहीं, टिपिकल हाउसवाइफ वाला रूटीन है जो सबका होता है। हाँ, घर पे मेरे मायके में कुछ अलग रूटीन होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि थोड़ा लेट उठते हैं, फिर बच्चे लोग वगैरह इनको खिलाओ उनको खिलाओ, लाड़ करो बनी होता है तो डॉगी वगैरह तो उनको घुमाने ले जाओ, ये तो वहां थोड़ा अलग हो जाता है। तो जब जाऊंगी तो मैं वहां पर भी, वैसे मैंने एक शायद बनाई भी थी पर पूरा बना नहीं पाई थी अच्छे से, बट इस बार मैं ट्राई करूंगी। तो बस जो मेरा आज का ब्लॉग है वो उसको करूंगी मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सॉरी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम, तब तक बाय, गुड नाइट।